गौरव, गौरव विद्या कहाँ है? पता नहीं वहां कहाँ है। इस बार तो बाल बाल बच गए हम लोग। शुक्र है कि हमने किसी को कुछ पता चलने नहीं दिया। विद्या और करण जब अचानक आमने सामने आ गए थे, मैं तो घबरा गई थी। बेटा, करण अब तेरी जिंदगी से जा चुका है। अब तुझे पति पत्नी के रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा। मैं समझ सकती हूँ, मगर तुम इसी बात को एक और तरीके से भी देख सकते हो। तुम हमेशा से ये काम करना चाहते थे ना, बस ये सोचो कि तुम्हें यही काम करने का एक और मौका मिला और इस बार टर्म्स एंड कंडीशंस तुम्हारी होंगी। तुम देश के सिस्टम को हमेशा से सुधारना चाहते थे ना, बस वही करने का तुम्हें एक और मौका मिल रहा है। अभी शायद तुम थोड़ी कंफ्यूज्ड होगी, लेकिन आगे जाके तुम अपने डिसीजन से बहुत खुश होगी, देख लेना। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते काका, कैसे हो? आइए आइए। अरे देवयानी, तू तो मेसा की तरह बड़ी सुंदर लग रही से। आइए। हाँ चलो चलो, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक। अरे तो कित से? जी कौन? अरे महाराज छोरा और कौन, बुला के लाओ उसे। विद्या, वो तो मेहमानों के लिए पानी लेके गई है। उसे क्यों जाने दिया? तू लेके नहीं जा सकती थी? मैडम जी, जा तो मैं ही रही थी, पर उसने मारे हाथ से ट्रे खींच ली, तो मैं क्या करती? क्या हो गया मैडम जी? मारे तो कोई गड़बड़ हो गई क्या? आप घनी परेशान लग रही हैं। नहीं कुछ नहीं, तू जल्दी से अपना काम खत्म कर। विद्या, मैं पानी देती हूँ, तू किचन में जा। और करण, विदेश में सब कुछ कैसा रहा? बहुत दिनों के बाद हम मिले, है ना? करण, ये मेरी बेटी स्वीटी और ये उत्तरा की बेटी तारा। हाय। 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 इमली, मैंने बिल्कुल समझ में ना आ रहा है कि मम्मी जी ऐसा क्यों कर रही है। क्या होया? अब देखना, वो करण जी से शिमला में मिल के आई और सबके सामने ऐसा दिखा रही है जैसे वो उनसे पहली बार मिल रही हो। इब मैडम जी की बातें तो वो ही समझ सकती हैं। सच इमली, कहाँ जा रहे हो? वहीं जा, मुझे जाना चाहिए। वैसे कितनी अजीब बात है ना, उसे गौरव की पत्नी बने हुए बस एक ही साल हुआ होगा और उसे उसकी खुशियों की कितनी चिंता है, और आप मां होकर अपने बेटे की खुशियों की कोई परवाह नहीं।